वंचित तबके के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को नहीं मिल रहा है। इस बात की जानकारी स्थानीय मखदुमपुर विधायक सतीश कुमार दास को तब हुई जब वो क्षेत्र भ्रमण के लिए निकले। क्षेत्र भ्रमण के लिए निकले विधायक सतीश दास ने पाया कि सबसे अधिक शिकायतें शौचालय और इंदिरा आवास से जुड़ी हुई हैं। इस मुद्दे को लेकर उन्होंने स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी मखदुमपुर को फोन पर जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि सिस्टम की गड़बड़ी के कारण, कमीशन खोरी और घूसखोरी के कारण पक्का मकान बनाने वाले को ही इंदिरा आवास मिलता है, झोपड़ी वाले को नहीं। आसुगांव पंचायत में हम आए हुए हैं और यहाँ पर भ्रमण के दरमियान में जो लोगों की समस्या थी उस समस्या से रूबरू हो रहे हैं। अभी हीरा दास जी के झोपड़ी में हम गए थे, उनको नहीं तो अभी तक पक्का मकान मिला है और शौचालय बनाने के बाद पैसा भी नहीं मिला है। बड़ा दुखद स्थिति है। इंदिरा आवास संबंधी बहुत शिकायत है। लोगों का कहना है कि जिनका पक्का मकान है उनको इंदिरा आवास मिल जा रहा है, जिनका कच्चा मकान है उनको नहीं मिल पा रहा है। जो सीधा सीधी इसको कहिए कि जो कमीशन देने में सक्षम है उनका मकान मिल रहा है, जो कमीशन देने में सक्षम नहीं उनको मकान नहीं मिल पा रहा है। तो इसकी शिकायत हम वरीय पदाधिकारी से भी करेंगे और विधानसभा में मौका मिलेगा तो इस सवाल को उठाएंगे कि इन तमाम चीज़ों की जांच की जाए। जिनको आवश्यकता है उनको मकान मिले, जिनको आवश्यकता नहीं है उनको देने की ज़रूरत नहीं है। और नली गली ये तो तमाम तरह का समस्या है, बिजली संबंधी समस्या है, वृद्धा पेंशन संबंधी समस्या है, जो आम जनता के बीच से इन तमाम समस्या निकल कर के आ रहा है। ऐसे ही कई और मामले विधायक के सामने आए। उन्होंने कहा कि कुछ गाँव में पुस्तकालय, संध्या पाठशाला और स्टेडियम बनाने का भी युवाओं की तरफ से प्रस्ताव आया है जिस पर विचार किया जाएगा। हम यहाँ पर छात्रों से मिले, सुगांव में पुस्तकालय है लेकिन ये छात्र लोग चाहते थे कि ग्रुपिंग करने का इनको जगह कहीं नहीं है जहाँ पर बैठ करके ग्रुपिंग करें। यहाँ का जो विद्यालय है, विद्यालय प्रबंधकारिणी समिति से हम बात करके उनको कक्षा अवेलेबल हो सके जहाँ पर वो ग्रुपिंग कर सके, इसका हम प्रबंध करेंगे। बच्चे लोग स्टेडियम भी बनाने की मांग रखे हैं तो बहुत खुशी हो रहा है कि जब यंग जनरेशन, जब छात्र नौजवान आगे आ रहे हैं, विकास के प्रति सजग हो रहे हैं। ये बड़ा अच्छा सवाल है कि वो निकल कर के आ रहे हैं। क्षेत्र भ्रमण के बाद विधायक टेहटा स्थित डॉक्टर अनिल कुमार से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। विधायक ने कहा कि टेहटा और आसपास के लोगों के लिए डॉक्टर अनिल कुमार एक मसीहा के रूप में है। इसके साथ ही विधायक टेहटा मिला रोड स्थित मृतक मिथुन कुमार के घर जाकर परिवार वालों को सांत्वना दी। मृतक का परिवार बेहद गरीब है जिसे विधायक ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को फोन कर पारिवारिक योजना का लाभ दिए जाने की बात कही। जहानाबाद न्यूज के लिए मखदुमपुर से श्यान की रिपोर्ट।